हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो, आई हो अच्छे होंगे। तो चेक करेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, उनका थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है आज मॉर्निंग में, क्या उनका प्लान्स है आज के दिन आपको लेकर। तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच। चलिए देखते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। यूनिवर्स की तरफ से क्या आपको गाइडेंस मिलती है, क्या आपको एडवाइस मिलती है आपके रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। फोकस यूनिवर्स पर बनाकर रख, यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और फोकस अपने पर्सन पर बनाकर रखिएगा, ठीक है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या है इनके पार्टनर के मन में आज मॉर्निंग है। ओके, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पार्टनर किसी चीज़ का काफ़ी प्रेशर है इस पर्सन पर बनाया जा रहा है, अपने सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी जो लव लाइफ है वो भी ये व्यक्ति काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आप दोनों के बीच स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप दोनों के बीच पेशेंस होनी चाहिए, आप दोनों के बीच रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप दोनों के बीच रहती है, आप दोनों को ईजिली आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। आप दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो, एक दूसरे को समझो, टाइम दो, एक दूसरे का सुनो और कहो, और थोड़ा सा स्पेस होना ज़रूरी है करेंटली। ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपसे ये भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये खुद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको चाहिए कि व्यक्ति आपको देंगे, बट राइट टाइम पर, जब राइट टाइम होगा इनके लिए, राइट टाइम होगा जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर चुके होंगे, जो इनको चाहिए ये पा चुके होंगे या इन्होंने वो कर लिया होगा, तब आपसे बात ज़रूर करेंगे या वो चीज़ आपको ज़रूर देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा आप समझो, ये इनकी फीलिंग्स है, इनका सोच है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप टेंशन में हो, आपकी लाइफ को लेकर, लव लाइफ या करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, आप कितना भी ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में रहो, बट इनको टाइम दो, इनको चाहिए, आपके पार्टनर चाहेंगे, डिमांड करेंगे, या आपके पार्टनर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको, आप थोड़ा सा हिल फील कर सको, आप बर्डन से बाहर आ सको, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको। आपके पार्टनर आपका पैम्पर करते मुझे दिखाई दिए हैं, ठीक है। आज के दिन इनकी कोशिश होगी लवी डवी एनर्जी रहे आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं कि इनको आपकी परवाह है, जो कि सही है, राइट है, कोई झूठा नहीं है, रियल है, ठीक है। इनको आपकी परवाह है, अपना इमोशंस बाहर ला रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, या बिल्कुल मीठी मीठी मोहब्बत के दो बोल बोल रहे हैं, दो बोल सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि प्यार में मैं देख पा रही हूँ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको रिलैक्स फील करा रहे हैं, आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज़्यादा उम्मीद आप इनसे नहीं कर सकते। बट हाँ, इनकी एनर्जी, इनकी कोशिश आज होगी कि सही से बात हो या आपको ठीक कर दे, आपका मूड लाइट कर दे, सही कर दे, ये इनकी कोशिश होगी। मिलने की बातें कर सकते हैं, डेट पर चलते हैं, कॉफ़ी पर चलते हैं, डिनर, लंच, आपके पार्टनर कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है। इनको रिलैक्सेशन चाहिए या तो ये आपको रिलैक्स करना चाहते हैं, ये खुद रिलैक्स होना चाहते हैं या आपको रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि
रिलैक्सेशन के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद को पॉजिटिव करने के लिए, खुद को एनर्जाइज्ड करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए या चार्ज करने के लिए. चार्ज मीन्स जो लो फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर टेंशन है, तो खुद को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है आपसे मिला जाए. आपसे मिलकर ये हो सकता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे जी, या तो आपको सही कर देंगे, मूड सही कर देंगे, हिल कर देंगे, या तो खुद हो जाएंगे. तो ये मुझे इनका सोच दिखाई दिया है. यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर के मन में, और क्या है इनके पार्टनर के मन में, ये इनके बीच एनर्जी क्या हो सकती है. ओके एम्परर, तो मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ. अगर आपके पार्टनर काफ़ी स्टबर्न हैं, काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के हैं, आपको ऐसा लगता था कि इनमें ईगो है, बात नहीं कर रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, तो अपने अकड़ से बाहर आकर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति कर रहे हैं जो सच में चाहते हैं, जो आपसे दूर नहीं रह पा रहा है या नहीं रह पा रही है. ठीक है, तो अपने अकड़ से बाहर आकर आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं या आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दिया है. ठीक है, और कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप कुछ ऑफर कर रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर पर किसी का नज़र है. इस बीच ये आपसे बात नहीं कर सकते, किसी का कंटिन्यूसली इन पर नज़र है. और दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको कुछ फील कराना चाहते हैं, कुछ एहसास कराना चाहते हैं. इनको ऐसा लगता है कि उसको मेरी वैल्यू नहीं है. ये व्यक्ति मुझे थोड़े से स्टबर्न दिखाई दिए हैं, अकड़ दिखाते हुए मुझे दिखाई दिए हैं. तो ये पर्सन अपना ईगो दिखा सकते हैं आपको. आप ऑफ़र कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, बट ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हो. तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दिया है, पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ ऑलरेडी अगर ऐसा हुआ है, हो चुका है, जहाँ पर आपने बात करने की कोशिश करी थी बट इन्होंने इग्नोर किया था, तो अब आपके पार्टनर थोड़े से रिग्रेट कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं कि आप दोबारा से करो. आप दोबारा से कब करोगे कॉन्टैक्ट इनको, तो वापस से थोड़ा सा दिखा सकते हैं ईगो या दिखाएंगे. मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि व्यक्ति बस दिखाने के लिए थोड़ा सा भाव खाएंगे. ठीक है, बट हाँ, ग्रैब कर लेंगे जो भी आप ऑफर दोगे, कॉन्टैक्ट करोगे. तो इनके साइड से ना मैं ये देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंस फील कराओ इस व्यक्ति को. ठीक है, आप भाव दो, ये भाव खाए, आप मनाओ, तो ऐसा चाहते हैं आपके पार्टनर. एरीज हो सकते हैं ये, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये तो कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस. यूनिवर्स बताएं मुझे आज के दिन इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, चांसेस क्या है इनके बीच होने का. ओके, आगे बढ़ेगी आपका कनेक्शन. ठीक है, सक्सेस मिल सकता है किसी को, या आपको आपके कैरियर में, इनको इनके कैरियर में प्रमोशन हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, या आगे बढ़ रही है आपका कनेक्शन. मैं कुछ लोग ऐसा भी देख पा रही, महसूस कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, कुछ लोग लिए मुझे एंडिंग दिखाई दे रहा है, वजह थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी में ये हैं या तो थर्ड पार्टी में आप हो. कुछ थर्ड पार्टी दिखाई दिया है मुझे, मनमुटाव दिखाई दिया है, फाइट दिखाई दिया है, आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिल्कुल बर्डन बन गया है सिचुएशन या कनेक्शन, काफ़ी टॉक्सिक है, अनहेल्दी है. तो ऐसे मैं देख पा रही हूँ ना एंडिंग. ठीक है, एंडिंग मुझे दिखाई दिया है, और वहीं
कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि साथ में आ रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, इनका प्रमोशन हुआ है या सक्सेस मिला है इनको या तो आपको, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है आप दोनों मिलकर कर रहे हो। जो पाना चाहते थे, जो मुकाम हासिल करना चाहते थे, जिस बात को लेकर, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में ये थे या तो आप थे, वो दूर हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो टेंशन से बाहर आ चुके हो, ठीक है। जो चाहिए था वो मिल चुका है। तो ऐसे में आप दोनों एक दूसरे को फुली टाइम दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ मिलकर, ठीक है। सेलिब्रेशन दिखाई दिया है मुझे, ठीक है। वाओ, तो ये है गाइस, ये एनर्जी मिल रहा है मुझे। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, टेक केयर।